और लेके आना आने आया हूं। अभी 23, 24, 25 और फिर 30 और 31 अगस्त को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया हमारी आगे बढ़ रही है, जिसमें 60,000 से अधिक नौजवानों को हम भर्ती करने वाले हैं। ये 60,000 जो भर्ती होने वाली है, इतनी बड़ी भर्ती उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुई। और इस भर्ती के साथ एक और चीज जुड़ रही है कि 20% सीटें इसमें ऐसी होंगी जिसमें केवल बेटियां भर्ती होंगी, और उनकी भर्ती के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है। मैंने कल भी कहा था, ये बेटियां इसलिए भर्ती कर रहे हैं जो सड़क और चौराहे पर किसी अन्य जगहों पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले, बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने वाले सौदों को भी ठिकाना लगाने का काम ये बेटियां कर सकें, इसके लिए हम उन्हें पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, एक तरफ मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के साथ आगे कार्य कर रहे हैं, मोदी जी ने नारी सशक्तिकरण बंधन अधिनियम के माध्यम से देश की संसद में और प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए सुनिश्चित किया है कि उन्हें भी संसद में और विधानसभाओं में जाने का अधिकार मिलना चाहिए। देश की नई संसद का कोई अधिनियम पहला पारित हुआ तो मातृशक्ति के लिए समर्पित नारी बंधन शक्ति अभिनंदन का एक कार्यक्रम विधेयक था, नारी शक्ति बंधन अधिनियम था, जिसके माध्यम से उन्हें संसद में और विधानसभाओं में 33% सीटों पर भी चुन करके जाने का अधिकार प्राप्त हुआ। और दूसरी तरफ ये